Friends, welcome to online ESS class. Today I will start fifth chapter, working in Photoshop. Working in Photoshop. Photoshop होता क्या है? क्या करते हैं? आइए देखते हैं. Adobe Reader में ये work करते हैं. Adobe Photoshop आता है. एक software का नाम है Adobe Photoshop. Adobe Photoshop is an image editing software. Image editing software है, जिसपे हम लोग किसी भी पिक्चर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, डेवलप्ड बाय ए लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, नेम कहा जाता है एडोब क्रॉप. जो कंपनी का नाम है जिसको बोला जाता है एडोब क्रॉप. इट इज द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग इमेज फॉर पर्पज इंक्लूडिंग डिजाइनिंग ऑफ ए वेब पेज. एड वगैरह करते हैं, बुक्स प्रोडक्शन में, PTC वगैरह में यूज किया जाता है इसका. ओके, पर्पस इंक्लूडिंग डिजाइनिंग ऑफ वेब पेज. वेब पेज वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं, उसमें भी फोटोशॉप का यूज होता है. इमेज को हम लोग मॉडिफाई करके उस पर हम लोग क्या करते हैं, वह अपने वेब पेज में उसको लगा देते हैं. ठीक है, तो ये होता है आपका फोटोशॉप. फोटोशॉप आपको जैसा ब्लैकबोर्ड पे दिया गया. ओके, नाउ यूजिंग फोटोग्राफ यू कैन मॉडिफाई योर ओल्ड फोटोग्राफ टू गिव देम ए क्लियर एंड ब्राइटनेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, उसके ब्राइटनेस वगैरह को भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं. इट यू कैन इवन कलर योर ओल्ड ब्लैक. अगर सपोज दैट आपका कलर आपका ब्लैक एंड व्हाइट है, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. उसको किसमें, कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है तो उसको कलर में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. ये सब किसमें हो सकता है, फोटोग्राफ फोटोशॉप सॉफ्टवेयर. जो भी फोटोग्राफ में कोई भी चेंजिंग, कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं. फोटोग्राफ मतलब कहने का मतलब फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर है कि सपोज दैट किसी का सर हटा के, मतलब यहाँ से सर को हमने हटाया और दूसरे सर की जगह पे जिसका बॉडी वगैरह अच्छा है उसके पे अपना सर लगा दिया, तो एक बॉडी बिल्डर हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा आप लोग मत करिएगा. ठीक है, तो इसलिए फोटोशॉप का यूज इसलिए नहीं किया जाता है कि आप गलत वर्क करो. नहीं, फोटोशॉप में डिजाइनिंग फोटो के साथ कोई भी छेड़छाड़ आप लोग मत करिए, कहने का मतलब यह है. लेकिन कोई भी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है तो उसको हम लोग कलर कर सकते हैं, अपने यूज में ले. कोई भी चेंजिंग आप कर सकते हो इसमें फोटोशॉप में. ओके, तो व्हाट कैन फोटोग्राफ डू, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन फोटोशॉप. कैसे फोटोशॉप क्या करेगा, क्या आइए देखते हैं. मॉडिफाई एन इमेज, पहला हम कर सकते हैं मॉडिफाई एन इमेज. दूसरा रिटचिंग फोटोग्राफ. तीसरा क्रिएटिंग ग्राफिक्स, उसमें ग्राफिक्स भी लगा सकते हैं. मैनिपुलेटिंग इमेज क्वालिटी, मैनिपुलेट कर सकते हैं इमेज को. नेक्स्ट है आपका चेंजिंग इमेज फॉर्मेट, जो इमेज का फॉर्मेट है उसको भी कर सकते हैं. ये सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके देखा जाएगा. फोटोशॉप प्रोवाइड्स ए टूल्स, प्रोवाइड कई सारे टूल्स भी प्रोवाइड करता है जिससे, और वो क्या है, हाईली यूजर फ्रेंडली. यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है कि आपसे बिल्कुल फ्रेंडली है. जिस तरीके का आपको टूल्स चाहिए वो टूल्स वहाँ अवेलेबल है, उस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है. एक एक करके देखा जाएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में भी देखा जाएगा, कैसे उसमें किया जाता है वर्क भी देखा जाएगा एक एक करके. ओके, तो इंटरफेस इसका जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू अलाउ यू टू थिंक्स विद इमेज. Thought it is not possible to list all the things that photographs can do. Some of its basic functions are given below. जो आपको बताया है ये modifying images, retouching photograph, creating graphics, manipulating images, changing image format. Okay? तो ये सारा चीज है. आइए first देखते हैं आपका modifying an image क्या होता है. Photoshop allow you to modify images such as changing the colors. आप इमेज जैसे मैंने बताया था कलर चेंज कर सकते हो, अल्टरिंग इट्स साइज, उसकी साइज को भी अल्टर कर सकते हो, एंड स्केल, पुटिंग वन पिक्चर इनटू द अदर, ब्लीडिंग टू और मोर इमेज गिवन स्पेशल इफेक्ट टू एन इमेज. ओके, नेक्स्ट है आपका रीटचिंग. रीटचिंग फोटोग्राफ इट्स अलाउ यू टू रीटच इमेज टू गिव देम ए क्लियर, ठीक है, स्मूथ एंड फिनिशिंग. स्मूथ कर देता है, फिनिश कर देता है. नेक्स्ट है आपका
क्रिएटिंग ग्राफिक्स. नेक्स्ट है क्रिएटिंग ग्राफिक. ग्राफिक्स क्या इट्स अलाउ यू टू क्रिएट बटन्स आइकन्स अदर काइंड्स ऑफ ग्राफिक्स फॉर वेबसाइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पब्लिकेशंस. ओके नेक्स्ट इज मॉडल मैनिपुलेटिंग इमेज क्वालिटी. मैनिपुलेटिंग इमेज क्वालिटी इसमें क्या होता है आप इमेज को मैनिपुलेट करते हो. फोटोग्राफ फोटोशॉप अलाउ यू टू मैनिपुलेट द इमेज क्वालिटी. ठीक है रिसाइजिंग डिक्रीजिंग रिसाइज भी कर सकते हो डिक्रीज भी कर सकते हो. द अमाउंट इज पिक्सल्स पिक्सल इन इट. पिक्सल को भी आप उसके कम ज्यादा बढ़ा सकते हो. पिक्सल आर ट्राइंग रीटचिंग ये सारा कुछ आप कर सकते हो किसमें आपका मॉडल मैनिपुलेटिंग इमेज क्वालिटी में. ठीक है चेंजिंग इमेज फॉर्मेट जो इमेज का फॉर्मेट है उसको भी चेंज कर सकते हो आप. फोटोशॉप अलाउ यू टू सेव योर ग्राफिक्स फाइल इन एनी टेंस ऑफ फाइल फॉर्मेट अवेलेबल विथ इट. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइल फॉर्मेट अवेलेबल फोटोशॉप लिस्ट इन द मतलब उसमें अवेलेबल होता है उस टेबल्स कुछ आगे टेबल्स हैं उसको भी देखा जाता है. जैसे बीएमपी करके है बीएमपी भी होता है. ठीक है बिट मैप कहते हैं जिसका फॉर्मेट फाइल का फॉर्मेट होता है बिट मैप कहते हैं. तो बीएमपी इज स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर विंडोज. क्या होता है बीएमपी जो विंडोज के लिए होता है स्टैंडर्ड होता है. नेक्स्ट होता है आपका TIEF जिसका फुल फॉर्म होता है टारगेट इमेज फाइल फॉर्मेट. ओके टारगेट इमेज फाइल फॉर्मेट द आपका जो है द TIFF फाइल फॉर्मेट इज यूज टू स्टोरिंग वेरी लार्ज एंड हाई क्वालिटी. वेरी लार्ज और हाई क्वालिटी के लिए आपका यूज होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट फोटोशॉप वर्किंग इन फोटोशॉप. हाउ टू वर्क इन फोटोशॉप. तो फर्स्टली गो ऑन ओपन द फोटोशॉप. फोटोशॉप 7 नॉट मेरे पास CS3 नहीं है 7 है. सो ओपन एडोब फोटोशॉप 7. ओके नाउ फाइल ओपन इमेज. देखिए इमेज है ये एक कोई भी इमेज ले लेते हैं यहाँ से और उसको ओपन करते हैं. दिस इज योर इमेज. ओके नाउ देन इमेज की साइज अगर इंक्रीज करनी है हमको तो सबसे पहले आप मेनू बार देख लीजिए. ये आपका मेनू बार है ये आपका मेनू बार है. उसके बाद से ये आपका क्या है ऑप्शन बार है. ये जो भी है ये क्या है ऑप्शन बार है. देन इमेज का बार ये है ये दिस इज इमेज बार विंडोज इमेज विंडोज. ठीक है उसके बाद से आपका टूल बॉक्स ये सारा टूल बॉक्स है. ओके स्टेटस बार आपका नीचे दिख रहा है स्टेटस बार. इसी में रूलर होता है यहाँ पे रूलर आ जाता है यहाँ पे रूलर होता है रूलर भी आता है. ठीक है सो हाउ टू इंक्रीज द इमेज. कैसे हम इंक्रीज इमेज को इंक्रीज करेंगे इसकी साइज को कैसे बढ़ाएंगे. आपका नेक्स्ट है इमेज के ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पे इमेज साइज है सिर्फ इमेज साइज यहाँ पे गए और ये वाले विंडो से यहाँ से इसका रेजुलेशन जो भी आपको बढ़ाना हो जैसे ही बढ़ाना हो. सपोज दैट ये 4 है इसको मैं 7 कर देता हूँ और ये अगर ठीक है और ये अगर इसका वो है इसको मैं 5 कर देता हूँ.
ठीक है, इंक्रीज, ओके, थैंक यू, सी दिस, सी दिस, इमेज बड़ा, इमेज हुआ, ठीक है। तो यहां से हम इमेज की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। ठीक है, फाइल को इंक्रीज करना आप, सॉरी इमेज को इंक्रीज करना जान गए कि कैसे इमेज को इंक्रीज किया जाता था, फोटोशॉप को कैसे ओपन करना है, कैसे जाना है, कैसे उसमें ओपन करके रखना है, और पिक्चर्स को सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, फाइल, ठीक है, फाइल में गए, सेव फॉर वेब, वेब के लिए अगर सेव करना है तो सेव फॉर वेब करेंगे, और सेव एज नॉर्मली करना है, सेव एज करिए, और यहीं पे ये पिक्चर्स मैंने सेव कर दिया जेपीजी फॉर्मेट, ओके कर दीजिए, ये पिक्चर सेव हो गई। और ऐसे ही सेव एज वेब पेज के लिए, का सेव फॉर वेब पेज के लिए करना है तो यहाँ पे आइए, ठीक है, देखिए इसका स्क्रीन पूरी तरीके सेव फॉर वेब पेज के लिए हो गया, देखिए हो रहा है, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखा रहा है। जब भी हमको पेज में ऐड करना होगा, देखिए हो रहा है ना, एक एक करके यहाँ देखिए चलती आ रही है। तो जैसे जैसे हमको इंक्रीज करना है, जहाँ जहाँ हम ड्रैग करेंगे वो इमेज उस वेब पेज के लिए जबल होगी, क्या चीज़ देखिए, हम जहाँ जहाँ अपने कर्सर को ले जा रहे हैं वहाँ वहाँ ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो आगे इसको इसका यूज़ है कि कैसे हम वेब पेज के लिए इमेज जब क्रिएट करेंगे, जब हम कोई पेज बनाएंगे तो सेव करेंगे, ठीक है। तो अभी इमेज आप तो वेब पेज अभी क्रिएट कर नहीं रहे हो, तो जब वेब पेज क्रिएट करना तो उसके लिए आप इस इमेज को सेव करना कि डायरेक्टली वो उस पेज पे ही ओपन होगा, ओके। यहाँ पे सेव ऑप्शन है, सेव कर दीजिए, मैंने यही दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी है आपने सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा है मैंने, और सिर्फ मनीष नाम ही है, और ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है, सारी चीज़ें आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, ओके, सेव किया, ये सेव हो गया, ओके। नाउ टूल्स इन द टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स है, सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे आइए राइट क्लिक करके, आपको एक एक करके बताया गया है, यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन दे रहा है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, सारा से सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप्स हर टूल्स पे आप जाओगे, जैसे जैसे जाते जाओगे, यहाँ पे देखिए राइट क्लिक, अपने बुक पे देखोगे ये सारे टूल्स आपको मिलेंगे, सारा कुछ, जैसे जैसे यहाँ पे आओगे राइट क्लिक करोगे ये सारा कुछ मिलेगा, यहाँ सारे टूल्स के बारे में बताया गया है, एक एक करके हर टूल्स का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एक एक करके ब्रश टूल, पेंसिल टूल, ठीक है, सारे टूल्स का हम यूज़ करते रहेंगे, देखिए हिस्ट्री ब्रश टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है, ये देखिए एरेजर टूल मिटाने उठाने के लिए, बैकग्राउंड को एरेज करने के लिए, मार्की एरेज, मैजिक एरेज टूल, ठीक है, हर टूल्स का यूज़ जितना आपके बुक में है सारे टूल्स आप देखोगे वन बाय वन करके, एक एक करके, ये टूल्स देखिए सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आइए पाथ सिलेक्शन टूल्स, यहाँ पे टेक्स्ट के लिए होगा, हॉरिजॉन्टल टाइप, अगर इस पर कुछ लिखना वगैरह हो तो ये सारा कुछ आपका टेक्स्ट के लिए, वर्टिकली लिखना है, हॉरिजॉन्टली लिखना है, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, ठीक है, सारा कुछ एक एक करके आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है, सारे टूल्स के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। ये ऑप्शन दब जा रहा है इसलिए कोई टेंशन आप मत सोचिए, ठीक है, एक एक करके ऑप्शन जो भी है लिखोगे, ठीक है। आपको मार्क्यू टूल के बारे में बताया गया है तो मार्क्यू टूल को पढ़ाया जाएगा आपको, यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे यहाँ पे आइए, यहाँ पे
ये रहा आपका, ठीक है। पहले हम 200 को लेते हैं, टू व्हीलर पे आएंगे। ये रहा आपका सर मार्क्यू, सब मार्क्यू टूल्स ही हैं, देखिए सबके रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल्स, मार्क्यू टूल ठीक है। ये क्लिक करके हम उसमें देखेंगे सारे को, ठीक है। वन बाय वन स्टेप जो भी होगा, अभी के लिए फिलहाल इतना आप देख लीजिए जो भी है।